यूपी के आजमगढ़ जिले में सिधारी थाना क्षेत्र के राउतमऊ गांव में खेत जोतने से मना करने पर दो पक्ष आमने सामने हो गए। इसी दौरान एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल राउतमऊ गांव निवासी घर भरन और जितेंद्र का खेत अगल बगल ही है। दोनों में काफी दिनों से भूमि विवाद चल रहा है। रविवार शाम जितेंद्र सिंह खेत की जुताई करवा रहे थे। जिस जमीन पर जुताई हो रही थी वो जमीन विवादित थी, जिसके चलते घर भरन पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। इसी को लेकर कहा सुनी होने लगी। इसी बीच जितेंद्र पक्ष के लोगों ने लाइसेंसी असलहा घर से मंगा लिया और 3 राउंड फायर कर दिया। घटना के बाद हमलावर पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। सर, जो थाना सिधारी क्षेत्र में गोली चली, क्या मामला है सर? ये थाना सिधारी क्षेत्र के राउतमऊ गांव है, उसमें खेत की जुताई हो रही थी और एक खेत की जुताई के दौरान एक पक्ष की डॉल जो मेड़ होती है कुछ अधिक कट गई ट्रैक्टर से। उस पर दोनों पक्ष आपस में वाद विवाद करने लगे। इस वाद विवाद के दौरान एक पक्ष का एक लड़का डीबी रेल गन, जो कि लाइसेंसी गन थी, वो अपने घर से निकाल लाया और उसने एक फायर कर दिया। उस फायर से जो छर्रे निकले वो 5 लोगों को लगे, जिनमें 2 युवक हैं और 3 युवतियां हैं। एक युवती के आंख के पास छर्रा लगा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी सभी जो 4 लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोई बात उसमें छर्रा गंभीर रूप से नहीं पाएगा, एकमात्र उपचाररत है। डीबीवीएल गन कब्जे में ले ली गई है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, मौके पर शांति है। दबिश के लिए 3 पार्टी बनाई गई है और जल्दी ही अभियुक्त गिरफ्तार होंगे। गर्भन यादव। कहाँ के रहने वाले आप? राउतमऊ। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है? थाना सिधारी। क्या मामला हुआ था कि ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे, हमारी पर्ती में चढ़ा करके जोत रहे थे, मना करने के बाद इसके बाद लोग लाठी डंडा लेकर आए हैं, दौड़ाए हैं मारने के लिए। हम लोग हट गए हैं। दोबारा जब लड़के बच्चे को छोटे वाले कौन लोग मारे? बाबू साहब और जितेंद्र सिंह, विशाल सिंह और बंटी और लोगों को बटोर कर लाए हैं। 2-4 10 लोगों को, लौंडे को और मारने के लिए दौड़ाए हैं। हम लोग भाग गए हैं दूसरे तुरे पर। इसके बाद वहाँ से फिर ये पता चला कि घर पर औरतों को मार रहे हैं। दूसरे पूरे से हम लोग लौट कर आ रहे थे। इसके बाद ये विशाल जितेंद्र सिंह लड़का रहे हमारे बंदूक से, तो लाइसेंसी बंदूक से उन्होंने फायर किया है और हमारे 6 लोग घायल हो गए हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो क्या मामला हुआ था? जैसे पहले झगड़ा हुई थी, फिर पटा गए लोग, तो फिर वो लड़का बटोर कर जैसे डंडा पहना चला गया, फिर हम लोग गए तो गोली जैसे बंदूक लिया कर गोली चलाए। कौन मारा? विशाल। और कौन? बंटी। कहाँ की रहने वाली है? कौन सा गाँव है? क्या हुआ था आज तुम यहाँ? चोट लगी है? चोट लगी है, क्या हुआ था? झगड़ा। झगड़ा? झगड़ा हुआ था। कैसे चोट लगी तुमको? देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।